आइए आज बात करते हैं एटम एंड मॉलिक्यूल नाइन्थ क्लास में, व्हाट इज आयन एंड हाउ दे आर फॉर्म्ड एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ आयन। तो देखिए आयन के बारे में बात कर रहे हैं। मान लीजिए हमारे पास ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास वन है, एटॉमिक नंबर वन है। ऐसे ही हमारे पास हीलियम है टू, लिथियम है थ्री, बेरिलियम है फोर, बोरोन है फाइव, उसके बाद कार्बन है सिक्स, नाइट्रोजन है सेवन, ऑक्सीजन है एट, क्लोरीन है नाइन, नियॉन है टेन, सोडियम इलेवन, मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17, आर्गन 18, पोटासियम 19 और कैल्शियम 20। आप देखिए किसी भी एटम के चारों तरफ शेल्स होती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो घूमते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। तो मान लीजिए ये कोई एटम है और उसमें ये पहली शेल है, उसका नाम है के, फिर उसके बाद एक और शेल है उसका नाम है एल, फिर एक और शेल है उसका नाम है एम। ऐसे शेल्स का साइज बढ़ता जाएगा। और मैं बता दूं के एल एम एन इसकी कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन की है मैक्सिमम, इसकी मैक्सिमम 8, इसकी मैक्सिमम 8, इसकी 18, तो दिस इज द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ दिस सेल। ठीक है, अब हाइड्रोजन का एक ही इलेक्ट्रॉन है क्योंकि न्यूट्रल एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन एनी न्यूट्रल एटम द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जनाब जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है किसी भी एक न्यूट्रल एटम में। ये न्यूट्रल एटम की बात है, बात समझ गए? तो इसमें एटॉमिक नंबर वन है तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी वन है, इसमें टू है तो टू है, इसमें थ्री है तो इसमें थ्री इलेक्ट्रॉन है। तो पहली शेल में दो भर दिए, अगली में एक चला जाएगा क्योंकि इसकी कैपेसिटी ही टू की है। ऐसे ये टू टू हो जाएगा, ये टू थ्री, टू फोर, टू फाइव, इसमें के एल एम की बात करें तो टू सिक्स, टू सेवन, टू एट। अब एट मीन्स फुल फिल्ड हो गया, टोटल एट कैपेसिटी है और इसमें भी टेन है। टू एट वन, टू एट टू, टू एट थ्री, टू एट फोर, टू एट फाइव, टू एट सिक्स, टू एट सेवन, टू एट एट, टू एट एट वन और 2882। अब देखिए ये हाइड्रोजन जो है इसके आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे 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 तो इस पे बनेगा H प्लस आयन। जब कोई एटम अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है, दे देता है, दान कर देता है, तो उस एटम पे प्लस चार्ज आएगा क्योंकि ये उसका प्लस पॉइंट है। पॉइंट टू बी नोटेड, जो दान देता है वो उसका प्लस पॉइंट है, इसलिए इसमें प्लस चार्ज आया। ऐसे ही ये फुली फील्ड है, ये नॉबल गैस कहते हैं, नॉबल गैस, इनर्ट गैस है। लिथियम के आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा क्योंकि इसे चाहिए सेवन इलेक्ट्रॉन मोर, एक इलेक्ट्रॉन है सेवन और चाहिए, ऐसे थोड़ी होता है।
जैसे मेरे पास 10 रुपीज है और मैं किसी को कहूँ भाई मेरे को 90 रुपीज दे दो, मेरे 100 हो जाएंगे, ऐसी बात कर रहे हैं। हो तो ये सकता है कि मैं अपना 10 रुपीज 90 वाले को दे दूं तो उसके कम से कम 100 हो जाएंगे। तो यहाँ इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है आउटरमोस्ट शेल में, इसको 8 पूरे करने हैं। ऐसा बहुत मुश्किल है कि ये 1 जो है ये 7 इलेक्ट्रॉन को खींच लाए, ऐसे ये कोई बहुत बड़ा दारसिंह नहीं है, इसलिए जो है ये अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा तो इस पे भी आएगा प्लस चार्ज। ऐसे ही ये 2 इलेक्ट्रॉन अपने रिलीज करता है तो इसमें भी +2 चार्ज आएगा, ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा तो इसमें +3 चार्ज आ जाएगा। अब ये देखो इसमें आउटरमोस्ट 6 इलेक्ट्रॉन है, इसे पूरे करने के लिए 2 की रिक्वायरमेंट है, ये बात समझ में आती है कि 6 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, इसको केवल 2 चाहिए। ये कुछ रिक्वेस्ट से या जोर जबरदस्ती से ये ले सकता है तो इस पे जो है +2 चार्ज, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इस पे -2 चार्ज आ जाएगा, तो ऑक्सीजन -2 होता ही है आपको पता है, ये इसी तरह से हुआ है। ऐसे फ्लोरीन है इसपे 7 इलेक्ट्रॉन है तो इसे 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए फ्लोरीन हमेशा F- बनाता है। नियॉन फुली फिल्ड है, इनर्ट गैस है, कंप्लीट है, ये कोई रिएक्शन नहीं करता, नोबल गैस है, नोबल गैस। ये 1 इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में है तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, इसको भी शांति है, आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम चाहता है कि एक बार अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो कम से कम मैं अपने 2 जो मेरी शेल है K और L उनके इलेक्ट्रॉन्स को अच्छे से देखभाल करके अपने कब्जे में रख लूं। 1 इलेक्ट्रॉन के लिए इसे बहुत दूर तक घूम के आना पड़ता है, उस पर निगाह रखनी पड़ती है, बहुत ही मुश्किल हो गया सोडियम के लिए, इसलिए सोडियम इसको आसानी से रिलीज करके Na+ बनाता है। ऐसे ही मैग्नीशियम भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल के जोन को रिलीज करके Mg+2 बना सकता है, और एल्यूमिनियम ऐसे ही Al+3 बनाता है। ऐसे ही यहाँ क्लोरीन को देख सकते हो, सल्फर को देख लो, सल्फर को 2 चाहिए तो ये सल्फर -2 बनाएगा, क्लोरीन को एक और ज्यादा चाहिए तो क्लोरीन -1 बनाएगा। ऐसे पोटेशियम के बाहर 1 है तो ये K+ बनाता है, और कैल्शियम Ca+2 बनाता है। जो इलेक्ट्रॉन जो देते हैं वो हो गए पॉजिटिव आयन, और जो लेते हैं वो हो गए नेगेटिव आयन। तो आयन इस तरह से बनते हैं कि कैसे हम अपनी आउटरमोस्ट शेल को फुलफिल करें, या तो इलेक्ट्रॉन किसी का ले लें ताकि 8 हो जाए, या अपने इलेक्ट्रॉन को ही दे दें तो कम से कम जो उससे पीछे वाली शेल है वो तो फुलफिल है। इस तरह से ये आयन जो है क्यों बने, सिर्फ अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए बने। तो आयन इज द ओनली, मतलब जो चक्कर है ये टू बिकम सेटिस्फाइड, बात समझ में आ गई। तो आयन ऐसे बनते, प्लस आयन इन्हें कैटायन कहते हैं, पॉजिटिव आयन को कैटायन कहते हैं, लिख देता हूं मैं कैटायन, प्लस चार्ज को कैटायन कहते हैं, एक होता है एन आयन भाई, माइनस चार्ज को एन आयन कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस में एनोड कैथोड वे अलग चीजें, चार्ज एनायन और कैटायन, बात समझ गए, कैटायन प्लस एनायन माइनस। तो इनमें कैटायन में क्या क्या आएगा, जैसे Na+, Mg+2 है, Al+3, ये सब कैटायन है, और ये Cl- SO4-2 CO3-2 NO3-, ये सब एनायन। तो दिस वाज अबाउट द आयंस एंड हाउ दे फॉर्म एंड व्हाई दे फॉर्म जो बात है, और आप पढ़ें इंस्टा अकेडमी नरेला पे, बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिलेंगी, मिलती रहेंगी, और सिर्फ आपको एक बार सब्सक्राइब करना है ना, कर देना, और फिर आपको अलर्ट भी मिलते रहेंगे, मैसेज आते रहेंगे जो है, ठीक है ना, कौन कौन सी वीडियो आ रही है। चलिए पढ़िए, थैंक यू।